यहाँ हम लोग आ तो गए जैसे तैसे, बट अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर। लेकिन पहले मैं अलर्ट कर दे रहा, जो लोग ये मैजिक कर चुके हैं वो लोग इस मैजिक से एकदम दूर रहे, है ना। हेलो गाइस, दिस इज माय लाइफ एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस न्यू ब्लॉग को। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ही हम लोग का होने जा रहा है नेक्स्ट लेवल। तो बता दे रहे हैं नेक्स्ट लेवल क्या होने जा रहा है। हम लोग जितनी भी जगह विजिट किए हैं आज तक ब्लॉग में, उसमें कोशिश करूँगा ज़्यादातर जगह को आज साइकिल से चल के कवर करने की। सो अभी सार्थक साइकिल लेके आए, मेरे पास साइकिल नहीं है तो अपने दोस्त से साइकिल मांगा हो, चल रहे हैं उसी के घर, तो साइकिल लेते हैं फिर निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइकिल आ चुकी है, दोस्त से मांगा, एक बार में मान भी गया, मुझे लगा मानेगा नहीं, और यहाँ पे धूम 3 की शूटिंग भी चालू है। बस अब जल्दी से निकलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सार्थक भी एकदम फॉर्म में आ गया साइकिल देख के। बिना ब्रेक की भी साइकिल चला रहा है भाई साहब। चलो स्टार्ट करें व्लॉग को, देखते इसमें क्या कर रहे हो ये। देखें इसमें मतलब कॉर्ड लग जाता है तो शूटिंग में आराम रहे। बाइक तो है नहीं पीछे, तुम बैठ जाओ कैमरा लेके, देखो ट्राई करो। बस भाई सब फिक्स हो गया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही होगी वीडियो में। ट्राइपॉड यहाँ पे लगा, देखो एकदम चल के। पहले हम लोग जा रहे हैं अपनी वही एवरग्रीन प्लेस पे नगर निगम के पास, फिर वहाँ से जाना है घाट, फिर उसके आगे डिसाइड करते कहाँ जाना है टाइम के हिसाब से। चलिए चलते हैं। मज़ा काफ़ी आ रहा है यार, इतना गजब हुआ डेंजर आ जा रही है। इसकी ब्रेक लग रही है तो जैसे ट्रेन का हॉर्न रहता है ना, साइकिल की ब्रेक की आवाज़ वैसी हो रही है जैसे ट्रेन का हॉर्न रहता है, एकदम एग्जैक्ट वैसी आवाज़ हो रही है। एक बार सुन के आप ही लोग देखिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नगर निगम के पास, ये पीछे रुद्राक्ष है कम्युनिटी सेंटर, नगर निगम, ये रुद्राक्ष कम्युनिटी सेंटर, और ये आ गया शहर उद्यान पार्क। तो मेरे हिसाब से इसको और ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है पार्क को, क्योंकि वैसे ही अपने काफ़ी सारे व्लॉग में इसको दिखा चुका हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। सो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ नगर निगम, जा रहे दशाश्वमेध घाट, क्योंकि पहला व्लॉग तो वहीं का था, और अभी जो लेटेस्ट में वहाँ का व्लॉग मैंने डाला है तो उसमें देखें अभी काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ा है। सो अभी देख के चलते हैं क्या सीन है वहाँ का, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, लग रहा है वहाँ मिट्टी यही सब कुछ कीचड़ कीचड़ होगा। तो फटाफट से चलते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जल्दी से चलते हैं। तो दोस्तों ये सामने हम लोग के आ चुका है गुदौलिया चौराहा, अब यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और फौरन चलते हैं दशाश्वमेध घाट और देखते हैं क्या सीन है वहाँ का, फटाफट से चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही दूरी पर ही आ जाएगा दशाश्वमेध घाट। क्राउड आप लोग देख ही सकते हैं कितना है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, हम लोग के साथ सीन ये क्रिएट हुआ है कि बाइक तो लेके आया नहीं और साइकिल में लॉक है नहीं, तो अब छोड़ के जाने में अजीब लग रहा है, तो सोचते साइकिल ही लेके चला जाए घाट चले। मेरे साथ तो ये सीन है कि साइकिल में लॉक नहीं है, सार्थक के साथ तो एकदम अलग सीन है, लॉक है, लॉक की चाबी नहीं है। क्या बात है भाई साहब, मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी पानी इतना ज़्यादा कम हो जाएगा। लास्ट टाइम एकदम एग्जैक्ट यहीं तक पानी था, लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग वहीं से किया था, पानी देख सकते काफ़ी दूर जा चुका है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ दशाश्वमेध घाट फाइनली, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। साइकिल के पास सार्थक खड़ा कराती हूँ, सार्थक मुझसे पहले आगे देख चुका है। तो अब चलते हैं देखते हैं घाट को, क्योंकि सीन काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मेरे पीछे जो टेरिस देख रहे हैं, लास्ट व्लॉग में जब आया था दिखाने घाट को, वहीं पे मैं चढ़ा हुआ था। अब सीन यहाँ का देखिए आप, क्या सीन है उस वक्त, क्या था आप क्या। तो दोस्तों यहाँ पे एक अलग ही सीन हो गया, मैं अकेले यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, तो 2-3 लोग मुझसे मिले, कहने लगे मेरा भी वीडियो शूट करती घाट के साथ। मैं बोला चलो भाई साहब अभी जल्दी में, क्योंकि मैंने प्लान बनाया यहाँ से चलने का DLW, अब वहाँ फ़ौरन चलते क्योंकि यहाँ से उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। सो फटाफट निकलते हैं DLW के लिए। उम्मीद है कि आपको ये दशाश्वमेध घाट का भी सीन अच्छा लगा होगा, सो फटाफट चलते हैं DLW की तरफ। ये सार्थक खड़ा हुआ साइकिल के पास, क्या हुआ, मैंने प्लान बना लिया अगली डेस्टिनेशन कौन सी होगी। हाँ कुछ आइडिया है कहाँ चलने वाले हैं। मैं बता दियो तुम्हें, लग रहा है मालूम नहीं है, तो हर जगह यहाँ थोड़ी डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं कोई डिस्टेंस है, चल
चलना है कि नहीं? चलो घर आए तो जा सकते, अकेले चला जाऊंगा। चलो चले। सुन लो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हम लोग DLW। चलना है तो चलो DLW। चलो चले चले फ्रेंड्स, चलते हैं। A few inches later. क्या हुआ सार्थक? थक गए यार। थक गए? हालत खराब? अभी भी तुम्हें पूछ रहा हूँ, अभी भी देर नहीं हुई, चलना है तो चलो चलो। हालत मेरी भी देख सकते हैं, एकदम टाइट है अभी। मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होने जा रहे हैं यहाँ से DLW जाना साइकिल से। हालांकि ऐसे अगर ये दो जगह विजिट नहीं किया होता तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बट दो जगह विजिट करने के बाद फिर वहाँ जाना DLW थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। चलो भाई। गोलिया क्रॉस कर चुके हैं साइकिल, अभी हम लोग की सवारी जा रही है। सामने सार्थक जा रहा है तो अब फटाफट से चलते हैं, हालत क्योंकि एकदम काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी है। सो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुबाग, और हम लोग के ठीक सामने गुरुबाग के ये गुरुद्वारा, इसको भी देखते हैं आगे आने वाले ब्लॉग में, इसको भी कभी कवर करते हैं। सो दोस्तों, ये पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउड फेस करने के बाद जब थोड़ा सा सन्नाटा मिला तब जाके ये साइकिलिंग करने का मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को उतना दूर जाना भारी लग रहा है। सार्थक भी अलग ही फॉर्म में, ये क्या क्या कर रहे हो? अरे बाप रे भाई साहब, अरे 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 अरे। सार्थक भी अलग ही फॉर्म में थे, देखो सही तरीका वो नहीं है, तुम देखो तुम्हें दिखा रहे कैसे सही तरीका है। तो दोस्तों, एक लाइक सार्थक के स्टंट और मेरे स्टंट की, हम दोनों की मेहनत के ऊपर एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने लाइक कर दी तो आप लोग मैजिक है। जो लोग, लेकिन पहले मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ, जो लोग ये मैजिक कर चुके हैं वो लोग इस मैजिक से एकदम दूर रहे, है ना। मैजिक ये वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, आप लोग उसको जैसे ही दबाएं ग्रे कलर का हो जाएगा। सार्थक, हाउ इज द जोश? दोस्तों मुझे एहसास हो रहा है, बाइक से जब जाता तो एक थ्रॉटल लेता था, जहाँ मन हुआ वहाँ चला गया, साइकिल से पैंडल मारे जा रहा हूँ मारे जा रहा हूँ, हालत ख़राब हुई जा रही है। सो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जो लेबर्स लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर गांव से, और भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो दूर दूर गांव से आते साइकिल से, उन लोगों को क्या तकलीफ़ होती, मुझे थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बनारस की काफ़ी पुरानी कोठी मोती। तेल भरवाना है साइकिल में? बॉडी में तेल भरवाना है। बॉडी में तेल भरवाना है, पेट्रोल पंप है वहाँ भरवा लो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ बनारस के पासपोर्ट ऑफिस में, यही है बनारस का पासपोर्ट ऑफिस। अभी तो संडे इसलिए यहाँ एकदम सन्नाटा, नहीं तो यहाँ पे डेली काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी। ये है पासपोर्ट ऑफिस, फाइनली इतनी अच्छी रोड मिली भाई साहब, मज़ा आ गया। यहाँ की रोड आप लोग भी देखिए, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे साइकिल चलाने में। सार्थक मज़ा आ रहा है? ये आ चुका है मरवाड़ी का ये बनारस स्टेशन। आप लोग को एक बैक गेट इसका दिखा चुका हूँ DLW वाले ब्लॉग में अलग से, सो मेरे हिसाब से उसको फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया बनारस स्टेशन। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं BLW, बारों रास्ते में DLW ही कह रहा था, वो बनारस रेलवे इंजन कारखाना, पहले DLW था डीजल लोकोमोटिव, अब BLW। हम लोग एंटर हो चुके हैं, काफ़ी सारी मेहनत और एफर्ट लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी है, पहले अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट लूँगा। सो दोस्तों, हम लोग ने छोटा सा ब्रेक लिया तो उसी में हम लोग ने थंबनेल भी ले ही लिया, अब फौरन हम लोग चलते हैं, व्लॉग को जारी रखते हैं, हालत तो हो चुकी है ख़राब। हम लोग ने जो DLW वाला व्लॉग बनाया था शाम में बनाया था, यहाँ का सुबह का सीन एकदम ही अलग है, वीडियो के साथ साथ यहाँ का सीन भी नेक्स्ट लेवल ही है सुबह के टाइम का। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, खाली अलग यहाँ की ग्रीनरी दिख रही है मॉर्निंग के टाइम में। और ये आ गया हम लोग के सामने डीरेगा स्टेडियम, BLW के साथ इसका भी नाम बदल के बारेगा स्टेडियम हो चुका, बीरेगा स्टेडियम। 20 रुपीज़ वाला सिनेमा हॉल, ये आ गया स्टेडियम।
बीएलडब्ल्यू में एक और चीज है, यहाँ के जितने भी रेलवे वर्कर्स है ज्यादातर लोग गाड़ी का इस्तेमाल नहीं साइकिल ही का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छी बात है, इको फ्रेंडली रहते हैं। यहाँ पे मुझे जितने भी लोग दिख रहे ज्यादातर रेलवे वाले, और सब लोग मुझे साइकिल ही से दिख रहे हैं, बाइक से कोई नहीं दिख रहा। ये रेलवे क्रॉसिंग बीएलडब्ल्यू की ये देख सकते हैं क्या सीन है भाई साहब। ये आ गया डीएलडब्ल्यू का रेलवे कारखाना। क्या सीन हो मेरे साथ तुम्हें पता है, तुम तो पीछे रह गए थे। आगे आया मैं तो मेरे हॉर्न की आवाज़ एकदम ट्रेन के हॉर्न के हॉर्न नहीं सॉरी मेरे साइकिल की ब्रेक की आवाज़ एकदम ट्रेन के हॉर्न की तरह है। मैं ब्रेक मारे लोग सोचते ट्रेन आए लोग रास्ता छोड़ के आगे पीछे होने लगे, मतलब कुछ भी। सो फाइनली फ्रेंड्स डीएलडब्ल्यू भी दिखा ही चुका हूँ, लेकिन अब मेरी और सार्थक की हालत नहीं है कि और आगे जा सकें, क्योंकि हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। सो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये नेक्स्ट लेवल वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अपनी काफ़ी कोशिश किया अच्छा शॉट लेने की साइकिल पे, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि बाइक नहीं है, शॉकर भी इसमें वैसा नहीं है साइकिल में, तो वाइब्रेशन थोड़ी होती। मैंने अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश की कि अच्छे से अच्छा शॉट आ पाए ये नेक्स्ट लेवल वाले ब्लॉग का। सो उम्मीद है कि आपको मेरा नेक्स्ट लेवल वाला ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर। ब्लॉग एंड करते करते एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग आ तो गए जैसे तैसे, बट अब यहाँ से जाने का मन नहीं करे, इतना अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, मन करे बस यहीं रुके रह जाएँ।